मेरा हस्बैंड ना पंजाबी है, तो आजकल लॉकडाउन चल रहा है, ही इज वर्किंग फ्रॉम होम. मेरे घर में ना सारा दिन दो ही डायलॉग्स, पहला चाह तर दे, दूसरा खाण नू की है. चाह तर दे की बनाया अज, चाह तर दे मिठे च की है, चाह तर दे कड़ी चौल बना दे. मतलब कोई और काम नहीं है, चाय खाना चाय खाना. अच्छा, अगर मैंने कुछ स्पेशल नहीं ना बनाया हो तो पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ता, पर जाई ने पूछ की बनया. और ये नहीं कि खाना भी कुछ सिंपल इजी टू ईट खा लेना, जैसे कि मेरे लिए स्नैक्स क्या, नट्स खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, इनके लिए नहीं. ये बोलते हैं माड़ा जा पनीर टिक्का बनाई, माड़े जी पकौड़े तले, और चाह बना उठी है तो माड़ा जा अंडा बना दे. माड़ा जा कह के ना शाही खाने पकवाते हैं मुझसे याद में. उस दिन मैंने बोला कि पोहा बना लेते हैं, है ना, इजी टू मेक है, खा लेना. तो अपने कोल रख गोहा जा. मैं कहा इट्स नॉट गोहा इट्स पोहा. इसे नहीं, साढ़े लिए तो गोहा ही है. मैं कहा क्यों नहीं खाना, कहता मेरे ना लंघदा नहीं. ये कोई एक्सक्यूज हुआ, लगा लो फिर. तो आप लोग इंडिया कॉल करते हो अपने पेरेंट्स को तो आप क्या पूछते हो कि आप कैसे हो? ये नहीं, ये पूछते हैं खाण नू की बनी आज, की खादा फिर आज डैडी. अच्छा, इनके लक्षण ना मुझे शादी के दिन ही नजर आते थे. हमारी शादी हो रही थी 13 साल पहले की बात है, वेडिंग डे था, हम दूल्हा दुल्हन बने हुए स्टेज पे बैठे थे, पूरा क्राउड हमें देख रहा था. इस बंदे को शादी की नहीं पड़ी, इस बंदे को खाने की पड़ी है. ये इशारे कर करके वेटर्स बुलाए और बोले कि या चिली चिकन है, चल दो फड़ा दे, नेक्स्ट टाइम आऊंगा मंचूरियन लेके आऊं. ऊपर से मुझे पूछे तुम्हें नहीं खाना, मैं कहा नहीं. कहता क्यों फास्ट है, मैं कहा नहीं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मेरी शादी है, वो भी आपसे, एंड बीइंग अ दुल्हन आई एम नॉट सपोज टू डफो. कहता टेंशन नहीं लाई दी, चक चक, एक तो हर बात में चक चक, बंदा ड्राइव कर रहा है, रेड लाइट है, खिंच खिंच, कट ले, खिंच ले, खाना खा रहा है, चक चक चक. नहीं खींचना भाई, काम डाउन, कोई समझाए जरा इसको.